जैसा भी संजय जी ने बताया, आज हमारे बीच विवेक अग्रवाल जी हैं जो अपराध पत्रकारिता का एक जाना माना जाना पहचाना नाम है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ विवेक जी से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आएं। विवेक जी, विवेक जी हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विवेक जी हमारे बीच इसके पूर्व भी पिछले एक साल में एक दो बार आ चुके हैं और हमारे विद्यार्थियों को अलग अलग गटों में संबोधित कर चुके हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि वो एक बड़े समूह को यहाँ संबोधित करेंगे। मुंबई में भी हमने एक कार्यशाला करी थी, उसमें मुंबई जी का विवेक जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था। मैं सर्वप्रथम विवेक अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हमारे कंप्यूटर विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और काफी वरिष्ठ प्राध्यापक हैं मनीष माहेश्वरी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं और शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर विवेक जी का स्वागत करें। मनीष माहेश्वरी जी, धन्यवाद मनीष जी। मैं आपके समक्ष विवेक जी का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगा। जैसा संजय जी ने बताया और हम लोग जानते हैं, विवेक जी अपराध पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम है। विवेक अग्रवाल पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से अपराध, कानून, सैन्य, आतंकवाद और आर्थिक अपराधों की खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप मूलतः मध्य प्रदेश से आते हैं, एकीकृत मध्य प्रदेश में सन 1985 में बतौर स्वतंत्र पत्रकार स्थानीय व राष्ट्रीय अखबारों में आप सक्रिय हुए। इसके बाद मुख्य धारा के अखबारों में विवेक जी ने 1992 में मुंबई के हमारा महानगर से काम प्रारंभ किया। सन 1993 में वे राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता में से बतौर अपराध संवाददाता जुड़े और मुंबई माफिया पर दर्जनों खोजी रिपोर्टें आपने प्रकाशित की। एक दशक बाद आपने देश के पहले वैचारिक चैनल जनमत से समाचार जगत में नए आयाम में कदम रखा, जो बाद में लाइव इंडिया के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र के सबसे शानदार चैनल मी मराठी की खबरों के आप प्रमुख रहे। महाराष्ट्र व गोवा के राज्य प्रभारी के रूप में वे न्यूज एक्सप्रेस की आरंभिक टीम के सदस्य थे। आपकी कुछ बहुचर्चित पुस्तकें जिनमें मुंबई, मुंबई रिटर्न्स और खेल खल्लास प्रकाशित हो चुकी हैं। मुंबई माफिया और अपराध जगत पर उनकी विशेषता का लाभ हॉलैंड के मशहूर चैनल ईओ तथा एपिक भी उठा चुके हैं। कुछ समय से वे फिल्म एवं टीवी धारावाहिक लेखन को भी समर्पित अपना समय कर चुके हैं। विवेक अग्रवाल, जब लेखन और वृत्तचित्रों वर्तमान में आप लेखन व वृत्तचित्रों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, वे कुछ अखबारों चैनलों के साथ बतौर सलाहकार जुड़े हुए हैं। वे अपनी सेवाएं बतौर विशेषज्ञ चैनल, अखबारों, पत्रिका आरंभ करने और उन्हें स्थापित करने के लिए प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जैसे संजय जी ने भी जिक्र किया, विवेक अग्रवाल जी अपने मित्रों के बीच में पत्रकारिता के डॉन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो कुख्यात अपराधी हैं उनके इंटरव्यू लिए, उनके बारे में स्टोरीज कवर की, तो विवेक जी को पत्रकारिता का डॉन कहा जाता है। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करूंगा विवेक जी से कि वे आए और हमारे विद्यार्थियों के बीच अपनी बात रखें। विद्यार्थी बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तो आप उसमें गंभीर सवाल पूछ सकते हैं जो आपको वाकई विषय से संबंधित होंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करता हूं विवेक जी से कि आए और विद्यार्थियों के बीच अपनी बात रखें। विश्वविद्यालय के
सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, भोपाल की पवित्र पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सभी ने मुझे ये जो आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया है उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि संजय जी ने या वाजपेयी साहब ने जैसा कहा कि मैं पत्रकारिता का डॉन हूँ, तो मेरी शक्ल देख करके तो कम से कम लोगों को ऐसा नहीं महसूस होता है, मेरी हरकतों से ज़रूर महसूस हो सकता है। और दो बातें पत्रकारों और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए कहना चाहूँगा। संजय जी, आपको चाहे जितना धमकाएं, ये याद रखिए कि पत्रकार सदा अराजक होता है। उसकी जो अराजकता है उसी से समाज की अराजकता समाप्त होती है, क्योंकि अगर वो अपराधियों की तरह से नहीं सोचेगा तो अपराधियों को पकड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर वो अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करेगा तो वो अपराधियों के गले तक कानून का फंदा पहुंचाने वाली खबरें आम जनता के बीच पेश नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि भरपूर मात्रा में अराजक रहें लेकिन स्व अनुशासन के साथ। पत्रकार अंतस से अनुशासित और कर्म से अराजक होता है तभी वो पत्रकार होता है। मैंने अपने अपराध जगत के खबरों के कैरियर में स्वयं के साथ में भी बहुत कुछ अराजक हरकतें की, जैसे लगातार करीब करीब 25 से 30 साल तक का वक्फा रहा है कि सोने का वक्त सिर्फ 2 घंटे एवरेज हुआ करता था। तो इसके पीछे वजह ये नहीं थी कि किसी ने ये मुझे कहा था या किसी डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई ये काम इस तरीके से करो वरना तुम नहीं बचोगे, या मैं विक्रम था और मेरे सिर पे पत्रकारिता का बेताल बैठा हुआ था और उसने ये कहा कि अगर तुम 2 घंटे से ज़्यादा सोए तो तुम्हारे सिर के राजन 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये स्वयं के अनुशासन की बात है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आपकी दीवानगी, आपका जुनून आपको पत्रकार बनाता है। और क्राइम रिपोर्टिंग में या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आने के पहले मैं अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि जो घर फूके आंकड़ों चले हमारे साथ। जिस व्यक्ति में ये ताब और ताकत है, जो स्वयं को भूल सकता है, जो परिवार को छोड़ सकता है, जो समाज की हर धारा से कट सकता है, वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में आने का विचार करे, और जिसे वो नहीं करना है वो ये मान करके चले कि वो पत्रकारिता की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि पत्रकारिता 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है। जैसे पुलिस मखामे में या जैसे खुफिया विभागों में काम करने वाले लोग या सेना के जवान 9 से 5 के मोहताज नहीं होते, वैसे ही पत्रकार 9 से 5 का मोहताज नहीं होता। आप सब पत्रकारिता का भले ही अध्ययन कर रहे हैं लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोग सब मन, वचन और कर्म से पत्रकार बन चुके हैं, क्योंकि जिसने इस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया वो मन से और वचन से और कर्म से इस क्षेत्र में आ गया। जहाँ तक बात है क्राइम की, टेररिज्म की, या आज के युग में जो नया हमारे सामने चुनौतियाँ खड़ी हैं साइबर क्राइम की, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे लिए चलूँगा। पत्रकारिता से संबंधित चूँकि जो नए छात्र इस साल से जुड़ रहे हैं उन्हें तो पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता विषय के जो रहस्य हैं, उनके गूढ़ हिस्से हैं, वो सब चीज़ें निश्चित तौर पे आपके गुरुजन आपको बताएंगे ही। मैंने कोशिश की है कि आपको ये बता सकूं कि पत्रकारिता है क्या, जो एक सामान्य डेफिनेशन हमारे यहाँ पे या एक परिभाषा दी जाती है
तो पत्रकारिता जिस तरह की लेखन आज हम देख रहे हैं वो लेखन असल में पत्रकारिता का वो स्वरूप नहीं है जो आज से 10-15-20 साल पहले हम लोगों को पढ़ाया सिखाया जाता था। तब यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, बच्चे पत्र लेखन किया करते थे और उनमें से जिनमें थोड़ी सी चिंगारी दिखती थी उन्हें वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं या उप संपादक संपादक उठा लिया करते थे और उन्हें फिर पत्रकार बनाया जाता था। तो रोज जैसे एक लोटा आप मांझते हैं और उसकी चमक बरकरार रहती है, उसी तरह से रोज मांझ मांझ कर मेरे जैसे कुछ पत्रकार गढ़े हैं उस वक्त ने। आज आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, इतना शानदार वातानुकूलित प्रेक्षागृह है, इतने गुणी गुरुजन हैं और मेरे जैसे दो चार शरारती किस्म के पत्रकार हैं जो आप लोगों के साथ रूबरू होने यहाँ तक पहुँचते हैं। हमें इस तरह का कोई मौका नहीं था। पत्रकारिता के लिए मैं बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ इन डेफिनेशंस के अलावा, जो हमें सिखाई गई है वो बात है, जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य पत्रकारिता है। और जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य का अर्थ है कि जितना समय आपको मिला है उस समय सीमा के अंदर, यानी जिसे आप डेडलाइन कहते हैं, उस डेडलाइन के अंदर आपने जो कंटेंट डेवलप कर दिया वो अगले दिन प्रकाशित होने जाएगा। एक साहित्यकार को, एक कहानीकार को, एक कवि, एक नाटककार, एक रचना धर्मी के पास में लंबा वक्त होता है अपनी रचना से बातचीत करने का, रूबरू होने का, उसे सुधारने का, पत्रकार के पास नहीं होता। तो ये सबसे पहले मान के चलिए, और इसीलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप लोग खूब पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना खुद को गढ़ेंगे। पढ़ने का अर्थ इसलिए, या पढ़ना जरूरी है इसलिए क्योंकि इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, इससे वाक्य संरचना आपकी अच्छी होगी और जब वक्त आएगा कि आपको बहुत ही विषम परिस्थितियों में डिलीवरी देनी है उस समय आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी। अन्यथा आज हालात ऐसे हैं कि बहुत बड़ी कोई क्राइम एक्टिविटी चल रही होती है, कहीं कोई बहुत बड़ा किलिंग हो चुकी है, उसके साल ये जब हमारे पत्रकार प्रिंट मीडिया के, तो ठीक है वो लोग अपनी कॉपी लिख लेते हैं, एडिटर को भेज देते हैं और आजकल वो भी परेशानी ख़त्म हो गई कि कॉपी लिखने के लिए ऑफिस जाना है, आप अपने लैपटॉप पे, अपने पाम टॉप पे या अपने स्मार्टफोन पर ही कॉपी लिख करके भेज देते हैं और वहाँ पर फिर वो दुरुस्त हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा संकट अगर किसी व्यक्ति के लिए होता है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के पत्रकारों के साथ या उन पत्रकारों के साथ जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके पास शब्द ही नहीं होते। इसलिए आप देखेंगे या आज के बाद में आप जाकर टेलीविज़न पर देखिए कि जो पीटीसी आ रही हैं, वॉक थ्रू आ रहे हैं या जो लाइव चल रहे हैं उसमें फील्ड रिपोर्टर्स कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग अपने 5 मिनट के, अगर पीटीसी है या 5 मिनट का उनका लाइव है तो उसमें कितनी बार करते हैं, इतनी बार कहीं ना कहीं शब्द का इस्तेमाल होता है कि ऐसा महसूस होता है कि अगर ये सारा हिस्सा निकाल दिया जाए तो इनके कहन का आधा हिस्सा बाहर हो जाएगा। और वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आप लोगों के पास शब्द भंडार नहीं होता। तो शब्द भंडार बढ़ाने के लिए खूब पढ़ें, ये पत्रकारिता की बड़ी अहम और पहली शर्त है। पत्रकारिता सिर्फ सूचनाएं देने का माध्यम नहीं है, पत्रकारिता सिर्फ कहीं कुछ इवेंट हुआ, कुछ हैपनिंग हुई वो उठाकर जनता को बता देना नहीं है, इससे अलहदा और इससे आगे भी पत्रकारिता का जहां है। और पत्रकारिता क्यों की जाए उसके अपने कारण हैं। आप जैसे देख पाएंगे कि
हमारा जो पहला ऑब्लिगेशन है या जो हमारी पहली ज़रूरत है या पहला जो हमारा कर्म है वो यही है कि हमारा समर्पण सबसे पहले सत्य के प्रति हो। सत्य का उजागर करना ही हमारी पहली आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हम आम जनता के लिए जिम्मेदार हैं। हम सरकार, समाज या हमारे चैनल या संस्थान के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, हम आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। लोग कहते हैं कि विवेक अग्रवाल तुम्हारा खबरियों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें खबरें बहुत अच्छी मिलती हैं। मैं कहता हूं कि मैं जनता का खबरी हूं, इसलिए मेरे पास खबरियों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। मैंने सदा वो जिम्मेदारी कर्तव्य समझकर निभाई है और ये मानकर चलता हूं कि जो व्यक्ति जनता का मुखबिर होगा उसके पास मुखबिरों की कभी कोई कमी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन एक और मामले में होना चाहिए, अनुशासन एक और मामले में होता है, वो है वेरिफिकेशन। खबरों का वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति खबरें बिना वेरीफाई किए कोई भी पत्रकार देता है उसे अपने जीवन में बहुत ही गहरी चोट पहुंचने की गुंजाइश होती है। मैं आपको मेरे साथ मेरे जीवन में मेरे पत्रकारिता के जीवन में जो गड़बड़ियां या जो मतलब मेरे अनुभव रहे हैं उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं चलूँगा। नॉन वेरीफाइड न्यूज़ छापने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है और किस तरह से वो एक व्यक्ति के जीवन के लिए तकलीफदेह हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे एक इंस्पेक्टर मित्र थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि एक लड़की आई है जिसे कि अवैध रूप से इसराइल भेज दिया था और एक कबूतरबाजों का बहुत बड़ा गैंग ऑपरेटिव है जिसने कि उसके साथ में बड़ी बदकार हरकत की, उससे काफ़ी सारे पैसे वसूल लिए और अब वो लड़की किसी तरह से वहाँ से वापस आई है और वो लड़की जो है जार जार रो रही है, वो न्याय की आस में उनके पास आई है। तब वो रेलवे में अंधेरी पुलिस स्टेशन जीआरपी का जो है उसके इंचार्ज थे, क्योंकि वो बहुत ही गहरे मित्र थे और बहुत ही वेरीफाइड सोर्स रहे हैं वो। तो मैं उनके पास गया, मैंने लड़की से बात की, उससे लेटर वगैरह देखे, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, मुझे पूरी कहानी सच लगी। वो जो खबर थी वो हमने प्रकाशित कर दी। मैंने इतनी जहमत नहीं उठाई उस वेरीफाइड सोर्स के अंधानुकरण करने के चक्कर में कि जो प्रतिपक्ष है या जिसने वो खबर मुझे, जिसके खिलाफ खबर मैं लिख रहा हूं, उन लोगों से भी मैं बात कर लूं। मैंने वो खबर छापी, पुलिस उस खबर पर सक्रिय हो गई, उन्होंने ताबड़तोड़ उस महिला को जा गिरफ्तार किया जिस महिला ने उस लड़की की टिकटिंग और ट्रेवल अरेंजमेंट किए थे। बाद में मुझे पता चलता है गिरफ्तारी के कि वो कोई और नहीं, मेरे साथ काम कर चुकी एक महिला पत्रकार की भाभी हैं। डिफेंस बैकग्राउंड का परिवार, बहुत ही सभ्य सुशील परिवार, सुसंस्कृत परिवार, और उनके पति जो हैं वो एक बहुत बड़े अखबार में मार्केटिंग हेड। उस महिला की बहन ननद यानी कि मेरी कुलीग, एक्स कुलीग, उनका मुझे फोन आता है, बोले विवेक तुमने ये क्या किया। मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि ये मेरे तब तक के कैरियर में करीब करीब 25 साल 22 साल बीतने तक के कैरियर में ये मेरी पहली गलती थी और ऐसी भयानक गलती थी। पुलिस वालों ने और चार कदम आगे जाते हुए उस महिला के पति को भी ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वो उन्हें ब्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। अब इन हालात में आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैंने
अपने एक मित्र वकील से कहा कि देखिए ऐसी ऐसी गड़बड़ मैंने कर दी है, प्रायश्चित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि छोटी सी 4 साल की बच्ची, एकमात्र उनकी बिटिया बिना माता पिता के दिवाली गुजार रही है, और अपराध बोध में दबा हुआ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि कृपा करके आप जो है किसी तरह से इन दोनों को बाहर निकालें। उस वक्त मुंबई हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी। वकील साहब ने मेरी मित्रतावश जज साहब के चैम्बर में जाके विशेष रिक्वेस्ट करके बार काउंसिल की इस धमकी के बावजूद कि आपको हम बहिष्कृत कर देंगे, उन्होंने जज साहब से निवेदन किया। जज साहब ने उनकी बातें सुनी और उन दोनों को बेल ग्रांट की और अगले दिन हम उन्हें जमानत पर बाहर निकाल पाए। उसके बाद में हम लोगों ने उस केस को और परस्यू किया और उन दोनों का वो केस जो है उसमें सी समरी केस की कार्रवाई कि केस झूठा था। जब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने किया तो मालूम पड़ा कि वो लड़की स्वयं यहाँ से इसराइल जाना चाहती थी, वो लड़की स्वयं वहाँ जा करके जॉब करना चाहती थी, और चूंकि इसराइल में भारतीय जो महिलाएं हैं उनको मेड सर्वेंट और नर्सेस का काम बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलता है, लेकिन इस लड़की के साथ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उसे वहाँ पर काम नहीं मिला और 15 दिन तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद में वो वापस आ गई। इसमें उस महिला का कोई योगदान नहीं था, उसमें उस महिला की कोई गलती नहीं थी। हमने उसके बाद में कंटिन्यूएशन में इस पूरी खबर की सच्चाई भी छापी, लेकिन उन पुलिस वालों को चूंकि पैसे वसूली करने थे या कुछ और इंटेंशंस थे, इसलिए उन्होंने उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया। बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र से कहकर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ कि विदाउट वेरीफाइंग द न्यूज़ स्टोरी, और सामने वाले जो पक्ष है उसे उन्होंने गिरफ्तार कैसे कर लिया, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। तो एक पत्रकार होने का अर्थ ये नहीं कि जो सूचनाएं आपके पास आ गई हैं उन सूचनाओं को आप बस सीधे ऐसे ही छाप दें, और कम से कम आज के युग में ये जो व्हाट्सएप नाम का राक्षस है उससे बच के जरूर रहिए। सूचनाओं का नहीं, ये अफवाहों का बाजार फैलाता है, तो इस चीज से हमेशा सावधान रहें। जो भी खबर मिलती है उसे वेरीफाइड सोर्सेस से जरूर वेरीफाई करें। अगर वो खबर कितनी ही बड़ी क्यों ना लग रही हो, उसका वेरिफिकेशन ना हो सके, उसे छापने के लिए या ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अपने चैनल में कभी ना भेजें। अपना इंडिपेंडेंट थॉट किसी भी खबर पे जरूर रखें। मैं आपका संपादक हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, ये अपनी जगह है, लेकिन आपकी उसके बारे में क्या राय है वो ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि खबर आपने फील्ड में की है। संपादक ने खबर जाकर फील्ड में काम नहीं किया है, उसे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। तो हर पत्रकार का ये मौलिक अधिकार एवं दायित्व है कि वो अपनी खबर के प्रति अपना इंडिपेंडेंट नजरिया अवश्य बनाए और संपादकों के सामने रखे। यदि किसी खबर या समाचार पर किसी किस्म की कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश है तो वो खबर 1 या 2 दिन विड्रॉ कर लें या रोक लें, उसे रीराइट करके या रीवेरीफाई करके फिर आगे बढ़ाएं। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्राइम रिपोर्टिंग के बेसिक्स में भी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बेसिक्स में भी ये शामिल है, तो इसलिए ये सावधानियां आप लोगों को लगातार बरतनी ही होंगी, ये ध्यान रख करके चलें। पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एडवोकेसी जर्नलिज्म, या जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी स्पेशलाइज्ड तरीके से या एक प्रकार से आंदोलनकारी तरीके से आप कोई पत्रकारिता करते हैं तो वो पत्रकारिता एडवोकेसी जर्नलिज्म है। हालांकि इसमें बहुत कुछ
कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी पुट रहता है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जो कि रेडियो, टीवी या ऑनलाइन आप करते हैं वो है, सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो आज के युग का चलन है। लेकिन इसके पहले तक पत्र लेखक के नाम लिखने वाले जो पत्र लेखक होते थे वही सिटीजन जर्नलिस्ट हुआ करते थे। डाटा जर्नलिज्म जो है वो हम लोग जमाने से करते आए हैं, अब उसे एक नई स्ट्रीम बना दिया है और डाटा जर्नलिज्म बहुत मौजूद हो चुकी है आज के युग में। इसमें क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बहुत ही गहरे तत्व छुपे हुए हैं। आप जब इसकी डेप्थ में जाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इस डाटा जर्नलिज्म से निकल करके बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आती हैं। टैबलॉइड जर्नलिज्म जो है वो आप समझ सकते हैं कि सनसनीखेज पत्रकारिता का नाम टैबलॉइड जर्नलिज्म है। न्यू मीडिया या न्यू एज जर्नलिज्म जो सोशल मीडिया के या इंटरनेट पर जो पत्रकारिता हो रही है आप उसे इस नाम से पुकारते हैं। और सबसे अंतिम है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म के बारे में आप लोगों को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर की जितनी धाराएं हैं वो सब आपके लिए हैं, नीचे वाली अंतिम नहीं है, लेकिन अंतिम वाली क्राइम रिपोर्टर्स के लिए। येलो जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई मेरा ख्याल है आप में से बहुतांश को नहीं पता होगा। इसकी उत्पत्ति की जानकारी मैं जरूर आप लोगों को देना चाहूँगा क्योंकि आप पत्रकारिता के छात्र हैं। जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका के तमाम पत्रकार जो हैं वो रशिया में हुआ करते थे और वहाँ की जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनके पास में रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स सोल्जर्स जाया करते थे, उनके पास में इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलिट्री बेसिस की, मिलिट्री से की गोपनीय सूचनाएं बहुत हुआ करती थीं और वहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट्स काम करती हैं उन्हें बतौर लाइसेंस येलो कार्ड मिलता था। वो येलो कार्ड जिस स्त्री के पास होता था वही स्त्री उस समय में रशिया में प्रोस्टिट्यूशन कर सकती थी। तो इन लड़कियों को पैसा दे करके आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करने वाले पत्रकार जो हैं और उनकी जो पत्रकारिता है उसका अमेरिका समेत पूरे विश्व में घोर विरोध चल रहा था कि ये पत्रकारिता सही पत्रकारिता नहीं है। और यहीं से शब्द पैदा हुआ उस येलो कार्ड के कारण, येलो जर्नलिज्म। तो ये है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म शब्द का जो आज अर्थ है वो है ब्लैकमेलिंग की पत्रकारिता। इन दोनों में फर्क महसूस कीजिए। मेरे जीवन काल में पत्रकारिता के मेरे जितना वक्त बीता है उसमें प्रोस्टिट्यूट्स का, बार गर्ल्स का बहुत बड़ा योगदान है। अंडरवर्ल्ड की खबरें प्राप्त करने के लिए उन लड़कियों से बेहतर दूसरा कोई सोर्स इस पृथ्वी पर सूरज के नीचे नहीं मौजूद है। उन लड़कियों के मन में बस एक बात का विश्वास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है इसे हमारे जिस्म में नहीं हमारी सूचनाओं में इंटरेस्ट है। उसके बाद वो आप पर भरोसा करेंगी और आपको वो सूचनाएं देंगी जो आपको इस देश की सबसे महानतम गुप्तचर एजेंसियों या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी नहीं मिल सकते। ये हमेशा याद रखें कि इन लड़कियों का इस्तेमाल होना चाहिए, उनके लिए आप इस्तेमाल न हो जाएं ये आपको तय करना होगा। उनके साथ किस स्तर तक संबंध बनने चाहिए ये आपको तय करना होगा, ये वो तय ना करें। जो क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वो ये भूल करके वहां तक जाएं कि वो एक गलत जगह जा रहे हैं, ये सोच कर जाएं कि वो अपने सोर्सेस के पास जा रहे हैं। और जब भी आप अपने सोर्सेस के पास जाते हैं वो सब पवित्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं, उस दुनिया में चलते हैं
जिसे क्राइम जर्नलिज्म या क्राइम रिपोर्टिंग कहते हैं। डेफिनेशन के मामले में आप लोग क्राइम जानते समझते हैं कि जो कानून का पालन नहीं करते हैं और उसके खिलाफ कोई भी एक्ट करते हैं वो क्राइम है। क्राइम रिपोर्टिंग क्या है, इतनी देर की मेरी बातचीत में आपको बहुत कुछ मैं बता चुका हूं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि दुनिया में सिर्फ चार विषय हैं जो बिकते हैं, सिर्फ चार, हिंदुस्तान के मामले में दो और, यानी कि छह, दुनिया में चार और हिंदुस्तान में छह। सबसे पहला विषय है धर्म। आज तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अगर कोई सी है तो वो है बाइबल। 400 करोड़ से ज्यादा प्रतियां आज तक बाइबल की बिकी हैं। इतनी प्रतियां किसी भी एक ग्रंथ की आज तक नहीं बिकी हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि धर्म कितना बिकता है। दूसरा है सेक्स या वासना। तीसरा है अपराध। चौथा है एंटरटेनमेंट। इसके बाद हिंदुस्तान के अगर मामले में कहेंगे तो क्रिकेट भी जरूरी विषय है जो कि यहां बिकता है। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है अखबारों को और चैनलों को वो है क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। लेकिन सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड या सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ विषय या उसके पत्रकारों के प्रति अच्छा नजरिया नहीं हो वो विषय क्राइम और इन्वेस्टिगेशन ही है। आप बहुत मुश्किल से पाएंगे, मेरा ख्याल है कि 1 लाख में शायद एक, कि किसी अखबार या पत्रिका या ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल का संपादक या मुखिया कोई क्राइम या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना हो, नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो अच्छी खबरें देने के सोर्स तो होते हैं लेकिन अच्छे जुगाड़ू नहीं होते। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो होते हैं वो बड़े अच्छे जुगाड़ू होते हैं और उनके पास में संस्थान के लिए बहुत सारी चीजें करने कराने का मादा होता है, समझ होती है, इसलिए वो उन कुर्सियों तक भी वही पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हां, जो 100% खरी और 100% समाज के लिए काम आने वाली खबरें हैं वो पैदा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और क्राइम रिपोर्टर्स करते हैं। क्राइम स्टोरीज क्या हैं और किस तरह से जनता उनके बारे में अपने विचार रखती है या बनाती है, उसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगा तो आप बोलेंगे कि अखबारों में जो खबरें छपती हैं वो और टीवी में जो खबरें छपती हैं वो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी आज से 32-35 साल पहले, उस वक्त अगर हम बाप ने बेटी से बलात्कार किया जैसी खबर लिखने के बारे में सोचते भी थे तो संपादक की डांट नहीं जूते पड़ते थे, ये सत्य है। और आज ये वक्त आ चुका है कि आप अगर ये खबर लाते हैं कि 4 साल की बच्ची से, बेटी से बाप ने बलात्कार किया तो वो फ्रंट पेज पे जगह पाती है और संपादक आपसे कहता है कि ये क्या तुमने 100 शब्दों की खबर बनाई है, इसे कम से कम 500-700 शब्द की करो, इसे फ्रंट पेज बॉटम बनाएंगे या सेकंड लीड करेंगे। ये मानसिक तौर पे बहुत बड़ा फर्क आ चुका है और टेलीविजन चैनल्स खुदा मालिक, चैन से सोना है तो जाग जाओ। कैसे, क्या ये वो खबरें हैं जो आप टेलीविजन चैनल पर देखना चाहते हैं, जो आपको दिखाई जा रही हैं या जो आपको परोसी जा रही हैं क्राइम के नाम पर? एक चैनल में मैं जब काम कर रहा था उस समय में बड़ा मजेदार वाकया हुआ। साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार कर देवास से नासिक लाया जाता है, नासिक की स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होती है। अदालत में मैं खबर कर रहा हूँ
अंदर तगड़ी बहस चल रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की गिरफ्तारी सही है या नहीं है, उनको जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एटीएस के वकील लगे पड़े हुए हैं, प्रज्ञा सिंह की पूरी फौज भिड़ी हुई है। बाहर एक खबर चल रही है टेलीविजन के पर्दे पर, देखिए प्रज्ञा सिंह और राम नारायण कल संग्रह की प्रेम कहानी। खबर विवेक अग्रवाल। राम नारायण कल संग्रह उस केस में एक आरोपी है। ये खबर कहां से आई नहीं पता, ये खबर किसने दी नहीं पता, ये खबर विवेक अग्रवाल ने दी विवेक अग्रवाल को नहीं पता। खबर चल रही है टीवी के पर्दे पर, प्रज्ञा सिंह की बड़ी बहन प्रतिभा पूरी तरह नाराज होती हैं इस बात पर, मुझ पर 150 पत्रकारों के बीच मुझ पर बरसती हैं। मैं कहता हूं कि जो खबर मैंने चलाई नहीं उसके लिए आप, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो अदालत में हूं, लेकिन उन्हें तो खबर मिल रही है। वो सेकंड हाफ के बाद में खबर चलती है साध्वी ओसामा बिन लादेन बनना चाहती थी। खबर विवेक अग्रवाल। ये है हमारे क्राइम रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का वो नजरिया या वो तरीका जो बिकता है। और बड़ी अफसोसनाक बात है, 12 दिन तक जर्मन बेकरी ब्लास्ट में पुणे में अपना समय खर्च करने के बाद अंततः विवेक अग्रवाल इस बात में, इस काम में सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है कि जर्मन बेकरी का जो इनसाइड एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसमें मेरा कैमरा पहुंच जाता है और मैं वो फुटेज निकाल पाता हूं अंदर की सत्य तस्वीर कि वहां पर किस क्या हालात हैं। 20 मिनट का फुटेज मिलता है मुझे और ये कम नहीं होता। सामान्य जितने भी बाकी चैनल थे 3 दिन 2 दिन 1 दिन में उन्होंने अपनी अपनी टीम्स पुल बैक कर ली थी और सब मुंबई वापस लौट गए। अकेले मेरे चैनल ने ही मुझे वहां पे जमा कर रखा हुआ था क्योंकि उन्हें पता था मैं रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल दूंगा और मैंने उन्हें निराश नहीं भी किया। और अंत में जिस दिन मुझे वापस जाना है, जाने के ठीक पहले मुझे ये मौका मिल गया और मैंने कहा कि चलो जाना तो अपनी ही कार से है तो कितना भी समय लग जाए क्या फर्क पड़ता है, घुस करके और पहले ये काम कर लिया जाए। फुटेज लेता हूँ, इस उम्र में भी 3 साल के बच्चे के हाथ में जब पापा पहली बार लॉलीपॉप देते हैं तो कितनी खुशी होती है, वैसी ही खुशी मुझे हुई थी। और अगर वैसी खुशी किसी पत्रकार को एक बड़ी खबर या एक बड़ी घटना का कवरेज करने पर नहीं मिलती है तो उसके अंदर का पत्रकार सूख गया या मर चुका है, यह मान लीजिएगा। बड़े उत्साह से ओबी 10-20 किलोमीटर आगे जा चुकी थी, उसे वापस बुलवाया, उससे फुटेज अपलोड किया और वो फुटेज देखने के बाद में संपादक कहते हैं कि इसमें क्या है। उसमें वहां पे जो खबर है वो खबर उन्हें उस फुटेज में नहीं दिख रही है, उसकी एक्सक्लूसिविटी नहीं दिख रही है क्योंकि वो नहीं चलानी है इसलिए नहीं चलाई। लेकिन इस घटना से आपके अंदर का वो बच्चा, वो लॉलीपॉप हासिल करने की ताकत, कोशिश और उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। वो जो उत्साह है वो आज भी मेरे अंदर बरकरार है और यही कारण है कि अब मैं उसे दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे माध्यम से आप लोगों के बीच ला रहा हूं। आपने जैसा बताया, संजय जी ने बताया कि मेरी जो एक किताब है मुंबई, मुंबई के भाई का एक शब्द बनाकर हमने उसे मुंबई बनाया, उसके आवरण पृष्ठ पे दाऊद इब्राहिम के कराची में जो घर है मोइन पैलेस,
क्लिफ्टन एरिया में उसका वो घर है जो कि वहाँ का डिफेंस एरिया है, और फाइव टीयर सिक्योरिटी में रहने वाले दाऊद इब्राहिम के घर के अंदर विवेक अग्रवाल का कैमरा पहुँचता है, उसकी ताज़ा तस्वीर लेता है और वो तस्वीर हम अपनी किताब के कवर पे शाया करते हैं, छापते हैं। तो पिछले इतने बरसों में जो चोट खाते आया हूँ, खबर छपे, फोटो छपे ना छपे, खबर दिखाएं ना दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश आज भी जारी है और जारी रहनी चाहिए। दुनिया में सिर्फ दो ही पेशे के लोग हैं जो कभी रिटायर नहीं होते, या जिन्हें कभी उनके शब्द के साथ रिटायर शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। पहला है सेना का जवान और दूसरा है कलम की सेना का जवान, जाने मैं। तो आम जनता क्या सोचती है क्राइम के बारे में या क्राइम क्रिमिनल्स के बारे में, असल में वो तस्वीर हम बनाते हैं। चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर नाम किसने दिया? मीडिया ने, प्रेस ने। उसने दो ही किलिंग जो है वो बिकनी से की थी, उसकी जो कुल जमा 35-36 किलिंग्स हैं उसमें से। लेकिन चूंकि वो सेलेबल नाम था, उसमें वो बिकने वाला तत्व था, इसलिए उसका नाम जो है वो बिकनी किलर पड़ा। दाऊद को डी किसने बनाया? या आज से 20 साल पहले एक घोटाला सामने आया था, जूता घोटाला, जिसे शू स्कैम कहा जाता है। मुंबई में सहकारी चर्मकार जो संगठन है, उनके नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, दाऊद शूज ने और बाकी सब ने, मेट्रो शूज ने, फर्जी कंपनियां बना करके और अपने जो जूते हैं उनके नाम से वहां बनवा करके, और उसकी सब्सिडी सरकार की बहुत लंबी चौड़ी खा गए। और हजारों नहीं, लाखों की संख्या में फर्जी चर्मकार और फर्जी संस्थाएं सैकड़ों की संख्या में उन्होंने दस्तावेजों पर दिखाई। वो जो खबर थी, वो खबर शुरू हुई मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के डीसीपी के दफ्तर में, उसकी टेबल से। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डीसीपी उस समय हुआ करते थे संजय पांडे, और बड़ा विचित्र सा प्राणी था, मौज मस्ती करने वाला इंसान था, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आया वह बंदा था, अपराध को, क्राइम को अपने ही नज़रिए से देखता था, हमारी मित्रता थी। तो जब वो फाइल वो पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा यार ये तो खजाना है, ये आपको मेडल दिलाएगा और विवेक अग्रवाल को खबरें दिलाएगा, काम करते हैं इस पर। उस पर काम शुरू हुआ। मैंने कहा भाई ये इसमें इतने डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब चीज़ें आएंगी, ये मेरे और आपके तो पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्या किया जाए। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट नए बच्चे खोजे गए जो इस काम में हम लोगों का साथ दे सकें। फिर ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है। हर जगह पर छापामारी की जाती है, जो भी दस्तावेज आते हैं वो उन चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों को दिए जाते हैं, वो उन बच्चे जो हैं उसमें से हमारे लायक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर केस बनाया जाता है, उनके आधार पर गिरफ्तारियाँ होती हैं और फिर और दस्तावेज आते हैं। ये क्रम चलना शुरू हुआ। अब तो जूता घोटाला है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, कोई उसका बड़ा सब कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने कहा यार इसमें ऐसी ये खबर बिकेगी नहीं, इस खबर के साथ में कुछ मुलम्मा चढ़ना चाहिए, इस खबर पे कुछ चिपकना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये है, इतना है, इतना है, इतना है, ये सारी चीज़ें जोड़ी हमने, कहा कि यार ये तो 36,000 करोड़ का घोटाला है। खबर बिक गई। अगले दिन से इंडियन एक्सप्रेस हो या टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता हो या सामना, सभी अखबारों में 36,000 करोड़ का जूता घोटाला के नाम से जो खबर चलनी शुरू हुई कि वो आज तक वही 36,000 करोड़ चल रहा है। जबकि बाद में सारा टोटल जब वो जानकारियां निकल करके आईं तो कुल मिलाकर के वो 20,000 करोड़ से भी नीचे बैठा, लेकिन आज भी 36,000 करोड़ ही चल रहा है वो।
तो मीडिया जो इमेज डेवलप कर देता है वही इमेज जो है वो लोगों के मन में जाती है। क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद आप क्या कवर करना चाहते हैं ये निर्धारित आप नहीं करेंगे, ये तय आप नहीं करेंगे, आपका संस्थान करता है। और संस्थान वो खबरें लेना चाहता है एक क्राइम रिपोर्टर से या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से जो उनका टीआरपी बढ़ा सकती है या सर्कुलेशन बढ़ा सकती है। सेलिब्रिटीज जो क्राइम करते हैं वो क्राइम बड़ा बिकता है, संजय दत्त की कहानी हो, सलमान खान की कहानी हो, चाहे वो शिकार कराएं कहीं या ऐश्वर्या राय को फ़ोन पर गाली दे रहे हों और उसकी वीडियो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है पुलिस के पास आ जाए और उस वो खबरें कई महीनों तक अखबारों और चैनलों में बनी रहें, बाद में भले ही अदालत में आकर ये बात तय हो जाए कि सलमान खान ने चिंकारा नहीं मारा था, चिंकारा खुद उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, उसको सुसाइड करने का मन था, ऐश्वर्या राय के दिन बुरे बीत रहे थे, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ थ्रिल पाने के लिए सलमान खान से कहा कि मुझे दाऊद के नाम से धमकी दे डाल भाई, तो उसने खूब धमकियां दे दी। पुलिस वाले इतने मूर्ख थे कि उन्होंने बिना अपने टॉप ऑफिशियल्स की परमिशन लिए हुए वो रिकॉर्डिंग भी कर दी। फिर पुलिस वालों को शायद हम लोगों ने 2-5-10 करोड़ रुपये दिए होंगे तो उन्होंने हमें भी दे दी और हमने भी दिखा ली। और मजेदार बात यह है कि हमने वो गलत खबर दिखाई और अदालत ने हमारे खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया। ये कैसा समाज, कैसी पत्रकारिता, कैसा अदालत, कैसी न्याय व्यवस्था गढ़ रखी है हमने।